जमावबंदी आदेश आने के बाद में हम जल्लोष करते हैं इधर जोर से, ये कौन सा पद्धत है। और कलेक्टर ने जिस पद्धत से MIM के मोर्चा को टालने के लिए उनकी सब मान करके कलेक्टर ने उनको सारी मुभा दे दिया, ऐसा दिख रहा है इसमें तो। मतलब कलेक्टर ये MIM को बढ़ा रहा है, बढ़ावा दे रहा। और जिस पद्धत से जल्लोष कर रहे हो, जैसे बहुत कुछ जीत के आ गई है। अरे जिसके घर में कल 43 लोग हमारे संभाजीनगर में ज़िले में गुजर गए कोरोना काल, तो उनके घर की परिस्थिति जाके देखो ना पहले, फिर जल्लोष करो ना। ये 43 लोगों की ये श्रद्धांजलि है क्या? और ये 43 लोगों की जिस पद्धत से उन्होंने मतलब जोर जोर से जल्लोष करे, यानी कि उनको खुशी हो रही है। और ये कलेक्टर के आदेश से सब चल रहा है, तो ये किसी भी हालत में कलेक्टर के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए और इनके इम्तियाज जलील के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने इतना जल्लोष करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इधर लोग मर रहे और ये नाच रहे लॉकडाउन बंद हुआ बल्कि, तो इसके लिए इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जल्लोष करने के लिए DJ लगा रहे, क्या क्या लगा रहे सब, ये इतना विदाउट मास्क। तुम एक आधा शहर में अगर कोई नागरिक जा रहा होगा उसका मास्क नीचे भी आया तो उसको 500 रुपये दंड कर रहे हैं। प्रेस वालों को भी अभी मुझे बताया गया कि प्रेस वालों को भी गाड़ी में से निकाल के उनको मार के उनको क्यों नहीं किया करके बता रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इसके MIM के ऊपर क्या एक्शन ले रहे हैं, कलेक्टर ने MIM के ऊपर क्या एक्शन ले लिया ये बताना है उसने। तो कलेक्टर अपने मनमर्जी से काम करता, किसी ऑफिसर से सहयोगी ऑफिसर से भी बात नहीं करता। लोक प्रतिनिधि तो छोड़ ही दो, उसको लोक प्रतिनिधि कोई ज़रूरत ही नहीं, वो अकेला लीडर बन के चल रहा है। ये कैसा चलेगा? लोग हमको पूछते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। आज इतने लोग जाने के बाद में रोज सवेरे हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि ये हॉस्पिटल से वो हॉस्पिटल में ये पेशेंट को एडमिट करना, जगह है क्या देखना, डॉक्टरों को विनती करो, ये काम सवेरे दिन भर चल रहा। आज हमारी शिव जयंती है तिथि के अनुसार, तो तिथि के अनुसार शिव जयंती है तो माननीय उद्धव जी ने मुख्यमंत्री महोदय ने बोला कि एकदम सिंपली पूजा करो, बाकी कुछ नहीं करने का। हमने हमारी मिरणों कैंसिल की और इसकी जल्लोष की मिरणों चल रही है, मिरणों की थे ना अभी मैंने देखा, तो इसको परवानगी कौन दिया? पूरे प्रशासन ने पूरा इसका जवाब देना चाहिए अपने संभाजीनगर के नागरिकों को, जिसको इतना कोरोना से मुक्ति मिली नहीं, कोरोना से कोई जो मुक्त मिलेगा उसको जाके पूछो, और जिसके घर में जो पेशेंट गुजर गए उनको जाके पूछो। ये तो एक बहुत बड़ा अपमान है। और दाखिल करने की मांग है, जमावबंदी का गुनाह, मास्क नहीं डालने का गुनाह, जल्लोष करने का गुनाह, धारा 144 तोड़ने का, जमावबंदी बोलते 144 का जो उन्होंने उल्लंघन किया, वो कि सरकार की प्रथम जिम्मेदारी लोगों को बचाने की है। और लोगों को बचाने के लिए माननीय उद्धव जी क्या हम लोग भी उसमें पूरे बिजी हैं, इसलिए हम लोगों ने कोई उत्सव साझा करने का मनाना बंद कर दिया। इसलिए कि लोग उधर बेचारे मर रहे हो, 43 लोग अगर कल गुजर गए होंगे कोरोना कारण से, तो हमको तो दुख होना चाहिए ना। और हम जल्लोष कर रहे, नाच रहे, अरे इसको आशीर्वाद कलेक्टर का है। इसके पहले भी इन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया था, मंदिर खोलने के बहाने भीड़ इकट्ठी करी, फिर पुलिस कमिश्नर में इनके इतने लोग इकट्ठे हुए सैकड़ों की संख्या में, लेकिन वहाँ भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। दूसरे आम आदमी के ऊपर कार्रवाई होती है। जब अपने खड़गेश्वर मंदिर के पास MIM वाले आए थे, इतना जल्लोष किया, आपकी बात बराबर है, मैं ये पूछूंगा प्रशासन को कि उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की है। बीच में आपको मैं बताऊंगा कि यही MIM वाले जल्लोष करते दौलताबाद के रोड पे जा रहे थे, उसमें एक पार्टी का आदमी जो पार्टी का लीडर है वो अपने दोनों छोटे बच्चों के साथ में गाड़ी में जा रहा था। उन्होंने देखा कि ये अपने खिलाफ है, मतिन राणा बोल के है, वो खिलाफ है अपने, तो सब उतर के उसकी गाड़ी तोड़ दी, उसको मारा। तो उस समय के वहाँ के जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसने कुछ कार्रवाई नहीं की दौलताबाद के रोड में। मगर इसको इतनी सुविधा सहूलत देने का कारण क्या है? मैं कहूँगा शिवसेना को डोमिनेट करने का ये प्रशासन का बहुत बड़ा दाव है। और हम तो देखो, हम तो बाला साहब ठाकरे जी के सैनिक हैं, हम तो छोड़ेंगे नहीं। हमने इस शहर मैं 1990 में फर्स्ट हिंदू MLA इस संभाजीनगर शहर से हुआ। उस दिन से MIM का 2 साल पहले का जो
जंगल घड़वाए थे ना उन्होंने, रायट किया था, फसाद किया था राजा बाजार में, शागर में, जब तक एक भी यहाँ दंगा फसाद नहीं हुआ, नहीं होने दिया, सब बेचारे सुकून में रहते थे, अपने हिंदू है मुस्लिम है भाईचारे से रहते थे। एमआई माने के बाद में इस शहर में ये लफड़े बढ़ते जा रहे हैं, और ये इम्तियाज जलील है, इम्तियाज जलील तो वो सीधा उल्लंघन करता, लेकिन हमारा एक भी अधिकारी उसके खिलाफ कुछ बोलता नहीं। ये हमारी मतलब हमारी सरकार हमारी होने के बाद में भी हमको हम शर्मिंदा होते हैं। अगर हमारे कोई शिवसैनिक ने कुछ कहते लगे उसके ऊपर धारा या ये धारा और ये दम डाल के उसको ये कर रहे थे, ये बहुत गलत बात हो रही है।